ओके अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स और इसमें जो है जो इनको आल्सो भी आलसोकॉल के नाल रेज इनको इनोडिक रेज भी कहते हैं और इनको पॉजिटिव रेज भी कहते हैं हमने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी को जो है डिस्क्राइब किया है तो ये जो है बिल्कुल वही प्रोसीजर है इसमें और कोई जो है यहाँ पे हमने मॉडिफिकेशन नहीं करनी है इस मतलब ये कि, कि कंडीशन बिल्कुल वही है कंडीशन जो है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रेज जो है क्या कंडीशन है तो इसके लिए कंडीशन ये है कि यहाँ पे 0.01 पॉइंट जीरो वन एम एम ऑफ मर्क्री जो है आप लोगों के पास इसके लिए प्रेशर होगा और यहाँ पे जो है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो वो 10,000 वो वो थाउजेंड वोल्ड पोटेंशल डिफरेंस जो है हमने वही कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करें तो ये प्रेशर और यहाँ पे जो है ये इलेक्ट्रिक आर्क इतना इलेक्ट्रिक आर्क हमने इसको देना है लेकिन इसमें जो है जो मॉडिफ़िकेशन की गई गोल्ड स्टीन ने जो मॉडिफ़िकेशन सिर्फ ये मॉडिफ़िकेशन की गई है इस डिस्चार्ज ट्यूब में कि यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें ये कितोड़ है तो ये कितोड़ को जो है उन्होंने परफोरेटेड लिया है परफोरेटेड का मतलब ये कि इसमें पोर्स है इसमें क्या है परफोरेटेड ये पोर्स इसमें प्रेजेंट है और इसमें जो है ये मतलब यहां ये यहाँ पे सिर्फ ये मॉडिफिकेशन इसमें की गई है बाकी कंडीशन वही है हमने उस दिन डिस्कशन की है कि ये लेट सपोज हाइड्रोजन गेस है और अगर मैं इसको टेन थाउजेंड वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस कंडीशन पर प्रोवाइड करता हूँ तो होता क्या है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गेस डिस्चार्ज हो जाते हैं इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये तो उस ज़माने की बात है कि जिस जमाने में 1859 और एटीन की बात है तो इनको उन्होंने कितोड़िक रेज का नाम दिया गया कि ये कितोडिक रेज़ है ये क्या है कितोड़िक रेज है और ये जो बकाया जात इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये पॉजिटिव रेज रह जाते हैं तो ये पॉजिटिव रेज जो है ए नोडिक रेज या केनाल रेज जो है इनको जो है डिस्क्राइब करते हैं तो ये वो बकाया जात हैं जो पॉजिटिव में रह जाते हैं तो देर द नेगेटिव टर्मिनल है, उसकी तरफ जो है ये होते हैं। और ये क्या है, ये क्या है? ये है। तो दे क्योंकि ये एनोड की तरफ मूव करते हैं तो ये रेज डिस्क्राइब किया गया और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखिए पॉजिटिव रेज जो है ये मूव करते हैं तो channel, channel से ये पास होते हैं तो यहाँ पे स्पार्किंग अपीयर हो रहे थे इन स्पार्किंग का अपीयर होना ये यहाँ पे जो है इंडिकेट करते हैं कि किडिक रेस के अपोजिट में एक अनदर टाइप ऑफ रेज है और साइंटिस्ट ने जो है इनको उस जमाने में जो है इनको क्या नाम दिया गया इनको एनोडिक रेज का नाम दिया गया उस जमाने में ये बात कही जाती जा थी कि ये पॉजिटिव रेज जो है ये एनोड रिलीज करता है और ये जो नेगेटिव चार्जेस है तो ये कितोड़ रिलीज करते है। तो इसके तोड़ एक रोज और इसको लेकिन एक्चुअली होता क्या है ये जो है ये रिलीज नहीं करता एनोड कितोड़ रिलीज नहीं करते है. रेस यहाँ पे जो गैसेस होते हैं उन गैसेस की डिस्चार्जिंग होती है और उससे जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और यहाँ पे जो है आप लोगों के पास जो है ये जो है प्रोड्यूस होते हैं तो ये एनोडिक रेस का नाम दिया गया इनको केनाल रेस का क्योंकि ये इन चैनल से पास होते हैं और फिर यहाँ पे स्पार्किंग प्रोड्यूस करते हैं तो केनाल रेस जो है यहाँ पे या एनोडिक रेस का वर्ड जो है इसके लिए यूज होता है तो ये अगर आप लोग देखें तो ये बिल्कुल वही कंडीशन है प्रोटॉन की डिस्कवरी की बात जो करते हैं अच्छा इसकी जो प्रॉपर्टीज है

इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो है दे हैव चार्ज नेचर इसका चार्ज नेचर है सेकंड पॉइंट ये है व्हेन दे आर अलाउड टू पास टू द मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड इसका इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके यहाँ पे सर्कुलर पाथ फॉलो करता है तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड इंडिकेट करता है इन मैग्नेटिक फील्ड जो है ये दोनों फील्ड में डिफ्लेक्शन जो है ये इंडिकेट करता है कि दीज रेज हैव चार्ज नेचर इनका चार्ज नेचर है when these radiation are incident on opaque object opaque object pe jo hai isko incident kiya so they follow shadow ye jo hai produce karte the ye kya produce karte shadow to so it indicate karta hai ki ye jo ennodic rays hai ennodic rays travel in a tra straight line to so ennodic rays also jo hai travel in straight line travel in straight line ये straight line में move करते हैं. to according to this concept ennodic rays also travel in a straight line तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं क्योंकि ये ओपिक ऑब्जेक्ट का शेडो कास्ट करते हैं द फोर्थ वन ये है कि व्हेन दिस रेडिएशन आर ऑन अ जो है स्मॉल पेन व्हील सो दे रोटेट द पैडल ऑफ स्मॉल पेन व्हील सो ये जो है हमें एक्सप्लेन करता है ये एक्सपेरिमेंट जो है दे हैव <coughs> जो है मोमेंटम के इसका मोमेंटम है और अपना मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर करते हैं सो so, मोमेंटम जो है अगर आप लोग देखें यहाँ पे इसके मटेरियल नेचर को एक्सप्लेन करता है कि ये दे हैव मटेरियल नेचर इनका मटेरियल नेचर है दस फिफ्थ वन ये है कि यहाँ पे जो है इनका जो चार्ज टू मास रेशियो है

इलेक्ट्रॉन के लिए जो हमने डिस्कशन की थी इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज टू ये वैल्यू है तो चार्ज टू इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर चार्ज टू मास प्रोटॉन तो ये पॉइंट जहां कि चार्ज टू इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन द रीजन प्रोटॉन का मास ज्यादा है तो जब यहां पे रेशो होगा तो इस वजह से जो है रेशो इसका कम हो जाएगा तो चार इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन से लेसर है इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास 1 के जी हो तो 1 के जी का जो चार्ज होता है 1 के जी का चार्ज 9.54 एंड पावर चार्ज इसमें होते हैं 1 किग्री प्रोटॉन का मतलब यहाँ पे ये है कि 1000 ग्राम ऑफ प्रोटॉन जो है अगर आपके पास हो तो उसमें 9.54 एंड 10 रस्ट पावर सेवन कूलम चार्जेस हैं। अ सिंगल ग्राम में कितने होंगे? 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन अगर मेरे पास हो तो 1 ग्राम ऑफ प्रोटॉन इट हैविंग 9.54 एंड 10 रस्ट पावर सेवन माइनस थ्री 9.54 कूलम चार्जेस इसमें ग्राम प्रोटॉन में इतने कूलम चार्जेस होते हैं। वी नो दैट इट इज इक्वल टू मिलीग्राम। ग्राम इज इक्वलग्र मतलब ये हुआ कि नाइन पॉइंट फाइव फोर एंड पावर फोर

1.67 kg के बराबर है। सिंगल प्रोटॉन का मास 1.67 जो है ये ग्राम के मासल प्रोटान का मासव एनडू पावर माइनस जो है 1.67 सिंगल प्रोटॉन का मास 18 माइक्रोग्राम के बराबर है अ सिंगल प्रोटॉन का मास 1.67 पॉइंट माइनस वन के बराबर है सिंगल प्रोटॉन का मास 1.67 पॉइंट पावर माइनस के बराबर है और अ सिंगल प्रोटॉन का मास इज आल्सो इक्वल टू 1 एएमयू के बराबर है ये इसके भी बराबर है तो ये डिफरेंट यूनिट्स में जो है प्रोटॉन का जो मास है ये इसको यहां पे डिस्क्राइब करता हूं ओके okay. एक और पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन जो है इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ़ रेजिडुअल गैसेस जो गैसेस होते हैं उसके नेचर पे डिपेंड करते हैं तो ये एक स्टेटमेंट है चार्ज टू मास रेशियो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ प्रोटॉन यहां पे जो है जो केनाल रेज होते हैं केनाल रेज चार्ज टू मास रेशियो ऑफ केनाल रेज डिपेंड्स ऑन डिपेंड्स ऑन देखिए द नेचर ऑफ ऑन द नेचर ऑफ देश जो है जो रेजिडल गैसेज होते हैं तो उनके नेचर पे डिपेंड करता है अच्छा चार्ज टू तो मास रेशियो ऑफ जो है प्रोथान। प्रोथान की बात करो सपोज हाइड्रोजन गैस की बात करता हूं तो यहां पे चार्ज वन पॉइंट सिक्स माइनस वन नाइन डिवाइड बाई हाइड्रोजन के मास पे डिवाइड होगा चार्ज टू तो मास रेशियो ऑफ हेलियम आयन यहाँ पे चार चुमास रेशो ऑफ हीलियम आयन जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है इट इज इक्वल टू 1.6 पॉइंट पावर माइनस वन कूलम डिवाइड बाय मास ऑफ हीलियम के आयन पे इसका मास पे डिवाइड होगा यहाँ पे चार चुमास रेशो ऑफ द नाइट्रोजन अगर मैं तो 1.6 पॉइंट पावर माइनस वन कूलम डिवाइड बाई मास ऑफ नाइट्रोजन आयन होगा

यहां पे ऑक्सीजन आयन से एक्सप्रेस करता हूं तो चार्ज टू तो मास रेशियो जो है आप लोगों के पास केनाल रेस के लिए इंक्रीज होती है जब आप लोगों के पास द द नेचर ऑफ होता है तो उसके नेचर के साथ जो है इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो जितना मास इंक्रीज चार्ज टू तो मास रेशियो डिक्रीज जितना मास जो है इंक्रीज चार्ज टू तो मास रेशियो जो है ये क्या होगा ये आप लोगों के पास डिक्रीज की तरफ डिस्क्राइब होता है अगर आप लोग देखिए किसी भी एटम में जो है जो प्रोटॉन नंबर्स होते हैं प्रोटॉन नंबर्स ऑफ एन एलिमेंट यह है, अगर आप लोगों के पास क्या है किसी भी एलिमेंट के लिए यहां पे डिस्क्राइब करते हैं नो दे आर आल्सो सो द एड्रेसर इनको हम क्या कहते हैं एड्रेस ऑफ एन एटम

तो ये अगर आप लोग देखें यहां पे जनरल से इसको एक्सप्रेशन करते हैं कि प्रोटॉन नंबर जो है और यहां पे प्रोटॉन नंबर डिस्क्राइब करता है द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द टेबल टेबल में जो है पोजीशन को डिस्क्राइब करता है तो ये जनरल पॉइंट्स हैं प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद नेक्स्ट जो है हम आ जाते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को डिस्कशन करते हैं कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो द डिस्कवरी ऑफ द न्यूट्रॉन वॉज इसके बारे में जो हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है तो यहाँ पे जो है ब्रदरफोर्ड जो है जब मास कैलकुलेशन कराता तो वो बार बार ये कहता है कि जब मैं मास कैलकुलेशन करता हूँ तो उसकी जो कंसेप्ट है वो बार बार ये कहता है कि इस एटम के अंदर जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कुछ और भी चीज़ है और वो जो है न्यूट्रल भी है ये भी उसने प्रोडक्ट किया था और उसने ये भी कहा था कि इसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है लेकिन पता नहीं कि इसके अंदर क्या है उसी का उसी ब्रदर फोर्ड का एक स्टूडेंट जो है जो जेम्स टाइड है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की तरफ चला जाता इस सैडिया को लेके 1932 में जो है वो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नो दिस प्रोसीजर को जिस प्रोसीजर के जरिए जो है वो यहाँ पे डिस्कवरी करता है इसको ट्रांसम्यूटेशन जो है ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन के जरिए उन्होंने ये प्रोसेस किया था कि ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन द पॉइंट ये है अगर आप लोग देखें तो उससे जो डिस्क्र में तो जनरल जो है इसका स्केच ड्रा करता हूं कि जो एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है कि यहां पे एक सोर्स ऑफ अल्फा रेज है मेटल प्लोनियम एक ऐसा मेटल है जो कि अल्फा रेज ए मेटर है प्लोनियम एक ऐसा मेटल है जो कि अल्फा रेज ए मेटर है अल्फा रेज जो है ये डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई है डबल पॉजिटिव चार्ज हीलियम न्यूक्लियाई आर डिस्क्राइब एज अल्फा सोर्स इसको जो है अल्फा रेज जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं तो ये जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये खुद जो है अल्फा रेज जो है ये रेडिएट करता है और इसके सामने जो है उन्होंने एक बेलियम शीट को जो है टारगेट किया था कि शीट को जो है टारगेट करती हैं यहाँ पे बेलियम शीट है और यहाँ पे जो है एक चार्ज डिटेक्टर जो है यहाँ पे एक चार्ज डिटेक्टर कि ये रेडिएशन आया इससे पास होती है कि नहीं तो यहाँ से जो है उसने एक चार्ज डिटेक्टर जो है यहाँ पे उसने यहाँ पे रखा हुआ था जो जीरो पे ये स्टैंड करता है

एज ए न्यूट्रॉन उसने न्यूट्रॉन का ये न्यूट्रल टाइप ऑफ रेडिएशन इससे जनरेट हो रही है अगर ये अल्फ़ा रेज पास होते तो ये तो चार्ज है ये तो चार्ज है यहां से क्या है ये इसके साथ हीट होता है तो भी इसको हिट करते हैं तो इससे अनदर टाइप ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ जो न्यूट्रल टाइप ऑफ रेडिएशन होती है वो इससे रिलीज होती है तो उसकी जो कंक्लूजन है ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन में कि ये अगर आप लोग देखें यह अल्फा रेज है प्लस टू ये मास नंबर ये अटामिक नंबर एटॉमिक नंबर ये मास नंबर और ये चार्ज है और यहाँ पे विन ही टारगेटेड द बेरिलियम शीट इसको बेरिलियम शीट को टारगेट कर लिया तो यहाँ पे ये थ्री ये क्या है ये थ्री जो है इसका प्रोटॉन नंबर है बेरिलियम का सॉरी प्रोटॉन नंबर जो है इसका फोर है और यहाँ पे जो है इसका मास नंबर जो है ये नाइन है तो यहाँ पे प्रोटॉन नंबर फोर और यहाँ पे जो है इसका मास नंबर

और ये डिक्रीज किसकी वजह से होता है दिस इज जस्ट ओनली ड्यू टू द रिलीज ऑफ ए न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की रिलीज की वजह से होता है तो जब न्यूट्रॉन रिलीज होता है तो इसके मास नंबर में अ सिंगल टाइम जो है ये चेंज आता है तो यहां पे जो डाटर न्यूक्लियाई है उसका अगर आप लोग प्रोटॉन नंबर देखें तो ये सिक्स है और उसका जो मास नंबर है ये ट्वेल्व है एंड अला तो ये अगर आप लोग देखे प्रोटॉन नंबर सिक्स और वो प्रोठान नंबर सिक्स और मास नंबर ट्वेल्व कार्बन न्यूक्लियाई डाटर न्यूक्लियाई इस कार्बन न्यूक्लियाई तो यहाँ पे डाटर न्यूक्लिया जो है वो कार्बन न्यूक्लियाई है यहाँ पे जनरेट होती है तो आप लोग प्लीज गौर से देखें अगर हम क्या करते हैं कि ये अल्फा रेज है <coughs> अगर अल्फा रेज को मैं टारगेट करता हूँ बनाते हैं और लीटियम शीट को जो है अगर हम टारगेट करते हैं तो यहां पे जो है सेवन है ये थ्री है तो एक्स जो डाटम न्यूक्लिया जनरेट होगी तो इन दोनों का समप होगा टू प्लस थ्री और यहां पे जो है फोर प्लस सेवन फोर प्लस सेवन माइनस वन यहां पे अ सिंगल न्यूट्रॉन जो है वो रिलीज होगा सो द विल बी जो है उसका प्रोटॉन नंबर होगा और उसका जो मास नंबर होगा तो यहां पे 11 -1, 10. 10 इसका होगा. तो यह अगर आप लोग देखें तो ये बोरान न्यूक्लियाई जनरेट जो है, जो है, हो रही है बोरान न्यूक्लियाई का प्रोटॉन नंबर फाइव है और मास नंबर जो है ये अगर आप लोग देखें तो ये इसका टेन डिस्क्राइब होता है तो हम कंक्लूजन की तरफ ये आते हैं कि जो आपसे क्वेश्चन यहां पे डिमांड होते हैं तो आपसे जो क्वेश्चन है तो ये बेरीम है और यहां पे जो है ये नाइन इसका जो है अगर आप लोग देखें प्रोटॉन नंबर और यहां पे जो है सॉरी मास नंबर ये प्रोटॉन नंबर और यहां पे ये अल्फा रेज डबल पॉजिटिव जो अल्फा रेज जब हिट करते हैं तो डाटर न्यूक्लियर तो पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड एटॉमिक जो है एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ द डाटर न्यूक्लियाई ये आप लोगों को गिवन होगा ये आप लोगों को क्या होगा ये गिवन होगा यहां पे जो है मास नंबर गिवन होगा और ये डिमांड होगा सेकंड पॉइंट में तो ये इन दोनों का सम आपके बराबर होगा सेकंड क्वेश्चन जो है यही न्यूक्लियाई अगर आप लोग देखिए ये कंबाइन होते हैं तो यहां पर आप लोगों से जो डिमांड होता है ये नंबर आपको गिवन होगा

और यहां पे जो है एक न्यूट्रांस है यहां पे आप आपस ये डिमांड हो सकता है और ये भी डिमांड हो सकता है कि इनका प्रोटॉन नंबर और मास नंबर एक्सपेक्टेड प्रोटॉन नंबर क्या हो सकते हैं और मास नंबर जो है क्या हो सकते हैं इन द फोर्थ वन क्वेश्चन जो यहाँ पे डिमांड होते हैं तो वो आप लोग देखें ये आप लोगों को गिवन होगा और यहाँ पे जो है ये गिवन होगा एंड प्लस यहाँ पे आप लोगों से डिमांड होगा कि यहाँ पे प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन जो है आप लोगों के पास यहाँ पे रिलीज होगा तो इसमें आप लोगों ने प्लीज अहम रखना है कि ये आप लोगों से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो है इस ट्रांसम्यूटेशन रिएक्शन में डिस्क्राइब होते हैं न्यूट्रॉन रिलीज प्रोटॉन नंबर डिमांड मास नंबर डिमांड यहाँ पे आप लोगों से प्रोटॉन दोनों डिमांड हो सकते हैं और द थर्ड वन जो है आप लोगों के पास यहाँ पे जो है वट विल बी द एक्सपेक्टेड पार्टिकल जो यहाँ पे रिलीज होगा उसको डिमांड होगा एंड द थर्ड वन जो है आप लोगों को गौर से देखिए प्रोटॉन नंबर से यू कैन आइडेंटिफाई कि कौन सी न्यूक्लिया यहाँ पे जनरेट हो रही है उसको भी आप लोग जो है क्या कर सकते हैं यहाँ से जनरेट कर सकते हैं तो ये अगर आप लोग देखें ये जनरल जो है इसमें क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को जो है आप लोगों ने जहन में रखना है मैं यहां पे एक जनरल पॉइंट इस तरह डिस्क्राइब करता हूं कि लेट्स सपोज जो है ये अल्फा रेज है और यहां पे ये four, ये और ये और लिथियम को टारगेट करते हैं तो मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि में ये लिथियम है 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 फिर 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 इसके बाद बेरिलियम बोरान है और कार्बन जब मैं अल्फा रेज के जरिए लिथियम को टारगेट करता हूं तो बेरिलियम न्यूक्लिया जनरेट नहीं होती बोरान न्यूक्लियाई जनरेट, जनरेट होती है बोरान न्यूक्लिया जनरेट होती है और जब मैं इस अल्फा रेज के जरिए जो है बेरिलियम को टारगेट करता हूं तो अगर आप लोग देखें तो फिर कार्बन न्यूक्लियाई तो नेक्स्ट न्यूक्लियाई जनरेट होती है अगर आप देखें तो ब्यूरीियम को टारगेट करते हैं कार्बन न्यूक्लियाई और अगर हम जो है लीचियम को टारगेट करते हैं तो बोरान न्यूक्लियाई जो है ये जनरेट होगी लेट सपोज यहां पे नाइट्रोजन है तो ये सेवन है अगर मैं इस अल्फा रेस के जरिए जो है बोरान को टारगेट करूं एक्सपेक्टेड न्यूक्लियर न्यूक्लियर जो जो है जो है नाइट्रोजन यहां पे आप लोगों के पास जनरेट होगी सो द एक्सपेक्टेड न्यूक्लियर जो है वो नाइट्रोजन डिस्क्राइब होगी तो आप लोगों ने इसको जहर में रखना है कि ये आप लोगों के पास न्यूट्रॉन अच्छा न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी में हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि न्यूट्रॉन की जो डिस्कवरी है तो इसको जो है एक ट्रांसम्यूटेशन रेडियो एक्टिविटी के बेस पे जो है इनको डिस्क्राइब किया गया है और वो बाकी डिस्चार्ज ट्यूब में जो है डिस्कवर हुए हैं तो ये जो जोड़ी क्रेज है एनोडिक रेज है 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 सो दे आर डिस्कवर इन डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में और इसको रेडियो एक्टिविटी के बेस पे जो है इनकी डिस्कवरी हुई नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें इनकी प्रॉपर्टीज सो व्हेन न्यूट्रॉन्स आर अलाउड टू पास इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं सो देर वॉज नो डिफ्लेक्शन यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो ये शो करता है कि न्यूट्रॉन हैव न्यूट्रल जो है न्यूट्रल टाइप देयर इज नो चार्ज न्यूट्रल टाइप ऑफ रेडिएशन है दे दे हैव दो आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड एंड मैग्नेटिक तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन पास का तो वो भी डिफ्लेक्ट होता है अगर मैं प्रोटॉन पास का तो वो भी डिफ्लेक्ट होता है लेकिन न्यूट्रॉन जो होते हैं दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड ये डिफ्लेक्टिंग होते हैं सो न्यूट्रल टाइप ऑफ रेडिएशन जो है इसको डिस्क्राइब करता हूं द थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट ये है कि अगर एक न्यूट्रॉन जो है एक न्यूट्रॉन आमतौर पर जो है अगर वो एक न्यूट्रॉन जो है एक अंगल लेट सपोज एक न्यूट्रॉन इफ इट मूव विद द 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इट इज कॉल्ड फास्ट न्यूट्रॉन इसको फास्ट न्यूट्रॉन से डिस्क्राइब करते हैं अगर एक न्यूट्रॉन जो है ये मूव करता है 1.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ तो इट इज डिस्क्राइब इज स्लो न्यूट्रॉन इसको स्लो न्यूट्रॉन से डिस्क्राइब करते हैं तो ये जो है स्लो न्यूट्रॉन है और ये जो है फास्ट न्यूट्रॉन जो है डिस्क्राइब करते हैं फास्ट न्यूट्रॉन जो है मोर इफेक्टिव नहीं होते स्लो न्यूट्रॉन और मोर इफेक्टिव जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं नेक्स्ट वन जो है अगर आप लोग देखें जब न्यूट्रॉन का जो न्यूट्रॉन की हाफ लाइफ होती है तो हाफ लाइफ ऑफ न्यूट्रॉन तो इट इज इक्वल टू राउंड अबाउट हाफ लाइफ जो है ये राउंड अबाउट 20 मिनट होता है और 20 मिनट के बाद जो है इसकी डिके होती है आफ्टर 20 मिनट जो है न्यूट्रॉन ख़ुद ब खुद डिके होता है जब न्यूट्रॉन डिके होता है तो इट प्रोड्यूस ये प्रोड्यूस करता है अ प्रोटॉन इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन इट प्रोड्यूस अ न्यूट्रीनियो एक न्यूट्रीनियो पार्टिकल जनरेट करता है तो न्यूट्रीनियो भी जनरेट करता है प्रोटॉन भी जनरेट कर लेता है और इलेक्ट्रॉन को भी जनरेट करता है अगर इसकी डिके होती है द नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो न्यूट्रॉन जो है हाईली पेनाट्रेटिंग रेडिएशन है एंड दे कैन आल्सो नाक आउट प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक् न्यूट्रॉन कैन आल्सो रिमूव जो फास्ट न्यूट्रॉन जो होती हैं इफ़ दे हिट इट अ अलिया सो दे कैन आल्सो रिमूव प्रोटॉन तो ये रिमूव करते हैं प्रोटॉन रिमूव प्रोटॉन्स नाक आउट प्रोटॉन फ्रॉम न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई से जो है उनको नाक आउट करते हैं एंड द नेक्स्ट पेन अगर आप लोग देखें तो न्यूट्रॉन का जो मास होता है

सेवन uh, के के बराबर है इट इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स

के बराबर है सो ये 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 एक 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 न्यूट्रॉन 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 भी 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 और सिंगल न्यूट्रॉन का जो मास है तो वो आपके पास के जी में इसके बराबर है ग्रेम में इसके बराबर है माइक मिलीग्रेम में इसके बराबर है माइक्रोग्रेम में इसके बराबर है नैनोग्रेम में इसके बराबर है पाइकोग्रेम में इसके बराबर है और एटॉमिक मास यूनिट में वन मोल ऑफ न्यूट्रॉन वन मोल ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू वन ग्रेम के बराबर एटॉमिक मास यूनिट को रिप्लेस करें ग्रेम में एक्सप्रेस करें सो वी कैन डिस्क्राइब एज अ वन मोल ऑफ न्यूट्रॉन वन ग्रेम तो यहां पे जो है आप लोगों के पास ये वैल्यू इसके बराबर है तो ये अगर आप लोग आम देखें तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ द न्यूट्रॉन्स इनमें जो क्वेश्चन होते हैं आप लोगों को प्लीज जो है मेरा केस में कोई इस तरह के टेक्निकल बातें नहीं है स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं और और पे जो जो है है आप लोगों ने वैल्यूज इन केमिकल को जो है याद रखना है नेक्स्ट जो है अगर हम आ जाते हैं तो यहां पे जो है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एक अनदर कंसेप्ट है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी इसको डिस्कस करते हैं प्लांक्स क्वांटम थ्योरी क्या है अच्छा ए इससे पहले जो है कि जब ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन डिस्कवर होते हैं तो फिर रदर फोराम एक मॉडल की बात करती है। रदर फोर जो है जनरल जो है वो ये बात कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवाल्व होते हैं और रदर फोर ने जो और उसने एटम को एक मिनी सोलर सिस्टम का नाम भी दिया था मिनी सोलर सिस्टम का नाम भी जो है रदर फोर ने दिया था और वो ये कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवाल्व होते हैं उससे ये आइडिया दिया कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इस तरह रिवॉल्व होते हैं तो फिर साइंटिस्ट ने जो है उस पर क्या किया यहाँ पे जो है ऑब्जेक्शन की और ऑब्जेक्शन में ये ये कि था कि आप कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होते हैं तो ये तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस करेंगे और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे और इससे तो एटम की डेथ होगी एटम की डेथ का मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स की डेथ होगी तो ये बात आपकी गलत है सेकेंड पॉइंट में वो फिर उसको क्या करते हैं कि ये मिनी सोलर सिस्टम का वो नाम जो आपने इसको दिया है ये भी गलत है क्योंकि मिनी सोलर सिस्टम का जो वर्ड है मतलब ये कि सोलर सिस्टम का जो कंसेप्ट है तो वो न्यूटन लॉ जो है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन उस पर अप्लाई होता है और न्यूटन्स के जो लॉज है वो एटम पे अप्लाई नहीं होते क्योंकि यहाँ पे जो है कोलम्बिक फोर्स है वहां पे ग्रेविटेशन तो मिनी सोलर सिस्टम का नाम जो है ये रद्ड ने दिया था एटम को लेकिन फिर इसको साइंटिस्ट ने रिजेक्ट कर लिया फिर उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे जो है आ, बोहर अटामिक मॉडल की की तरफ आते हैं तो फिर बोहर अटामिक मॉडल में जो पॉइंट्स है वो हमने जो है बाद में इसमें, इसमें एक्सप्लेन करेंगे लेकिन यह है कि ये रदर फोर एटामिक मॉडल इस तरह था कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जो है ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो है ये रिवॉल्व होते हैं और यहाँ पे जो है उसने मिनी सोलर सिस्टम का नाम भी जो है एटम को दिया था ओके इसके बाद जो है हम प्लांस क्वांटम थ्योरी की तरफ आते हैं और नेक्स्ट जो है जर्मन फिजिस्ट है उसने जो है इस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया था और अकॉर्डिंग टू हिम कि जब भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है एनर्जी की एब्जॉर्बन करता है या वो एनर्जी को रिलीज करता है तो ऑफ एनर्जी एंड रिलीज ऑफ एनर्जी जो है इट इज ऑलवेज ऑब्जर्व इन डिसकंटिन्यूअस मैनर ये हमेशा डिसकंटिन्यूअस मैनर में होगी क्या मतलब है इसका इसका मतलब ये है कि ये न्यूक्लियस है यहाँ पे अगर आप लोग देखिए इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे जो है अगर आप लोग एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पे एनर्जी लेवल्स हैं यहाँ पे एनर्जी लेवल्स हैं जब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्व कर लेता है अगर इतनी एनर्जी कर लेता है जो इस एनर्जी लेवल के बराबर हो तो ये यहां पे चला जाएगा अगर ये इतनी एनर्जी करेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से करके चला जाएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन इतनी एनर्जी करेगा तो ये यहां से यहां पर चला जाएगा इट्स अ डिसकंटिन्यूस मैनर में ये एबजॉर्बेशन कर रहा है सो द एब्जॉर्बेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एब्जॉर्न ऑफ ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन

अगर आप लोग ये फिक्स एनर्जी गैप यहां से पे। तो यहां पर फिर अगर इतनी एनर्जी गैप कर तो यहाँ पे अगर इतनी एनर्जी तो यहां पे आप लोगों के पास ये डिसकंटिन्यूअस मैनर में है मतलब ये है कि फोटॉन इस फॉर्म में रिलीज हो रहे हैं डिसकंटिन्यूअस मैनर में इस तरह जो है यहाँ पे फोटॉन रिलीज ये कंटिन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी है टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है एब्जॉर््पन ही होगा उसके है क्योंकि यहां पे एनर्जी गेप डिफरेंट है जब डिफरेंट गेप ऑफ एनर्जी होंगे तो फिर एबजॉर्प्शन भी डिफरेंट फॉर्म में आप लोगों के पास ऑब्जर्व होगी सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर ये यह इलेक्ट्रॉन यहां से वापस रिटर्न होता है तो इतने पेक ऑफ एनर्जी को रिलीज करेगा अगर ये फोर्ट इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके आता है तो इतना पेक ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से जम करके आता है तो इतना पेक ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा तो द रिलीज आर एब्जॉर्शन है अगर यहां पे रिलीज हो रहा है जो है अगर आप लोग देखे रेडिएशन हो रहा है रेडिएट हो रहा है अगर ये क्या हो रहा है रेडिएट हो रहा है एनर्जी को रिलीज करता है रेडिएट करता है सो द रेडिएशन या रेडिएट करना

एंड रेडिएट होना रिलीज होना ये भी जो है आप लोगों के पास डिसकंटिन्यूस मैनर में होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब आर रिलीज अगर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एनर्जी को एब्जॉर्व करता है या रिलीज करता है इट विल डिसकंटिन्यूस मैनर अच्छा डिसकंटिन्यूस मैनर में अगर ये एब्जॉर्ब करता है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो एनर्जी एनर्जी पैकेट एजर्जी पल्स एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी पैकेट इनको एनर्जी पैकेट भी कहते हैं एनर्जी के पैकेट भी इनको कहते हैं एंड देर ऑल्सो डिस्क्राइब एनर्जी पल्सिस एंड देर ऑल्सो डिस्क्राइब एज अ क्वांटम ऑफ एनर्जी Packets, of energy, इनको क्वांटम ऑफ एनर्जी से भी डिस्क्राइब करते हैं सो so द तो ये जो पैकेट्स ऑफ एनर्जीज है पल्सिस ऑफ एनर्जी भी इनको कहते हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी से भी इसको डिस्क्राइब करते हैं सेकंड पॉस्टुलेट ये है कि ये जो आप लोगों के पास ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एब्सार्व लाइट सेकेंड पासवर्ड the, the ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्यूरी द एब्सॉर्बेशन आर इमेशन जब आप लोगों के पास होता है तो जो फोटो रिलीज होता है उस फोटोन की इनर्जी और फ्रिक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन अकॉर्डिंग टू दिस थ्यूरी क्या देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन दियर इज अ डायरेक्ट देर इज अ डायरेक्ट रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन रिलेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी फ्रीक्वेंसी एंड यहां पर एक्सप्रेशन करता हूं इन इनर्जी कि एनर्जी और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन है सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अकॉर्डिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नो व्हाट इज मीन बाय फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ वेव यही सपोज ये मेरे पास क्या है ये एक मैं इसको एक्सप्रेशन करता हूँ कि waves, waves, द नंबर ऑफ वेव्स यहाँ पे टू वेव्स और डोमेन क्या हो टाइम टाइम हो ताँग हो डोमेन कि जितने वेव्स प्रोड्यूस हो रहे हैं द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम इसको डिस्क्राइब करता हूँ तो इसको फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ वेव्स नंबर ऑफ़ साइकल्स नंबर ऑफ़ वेव्स नंबर ऑफ़ साइकल्स पर यूनिट टाइम हो तो इट इज़ डिस्क्राइब एज अ फ्रीक्वेंसी इसको फ्रीक्वेंसी से डिस्क्राइब करते हैं तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास होगी इतनी ज़्यादा एनर्जी होगी तो जिस फोटान की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी भी ज़्यादा ये अगर आप लोगों के पास एक पोटान है इसकी जो है एनर्जी यहां पे अगर इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है क्या होगी वो ज़्यादा होगी जिस फोटोन की एनर्जी कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है क्या हो जाएगी वो ड्रॉप हो जाएगी कम हो जाएगी जिस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो यहां पे जो है अगर आप जिसकी एनर्जी कम हो जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी भी जो है यहां पे कम डिस्क्राइब होगी तो फोटोन हैविंग मैक्सिमम एनर्जी हैव मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड फोटोन हैविंग लीज एनर्जी हैव लीज फ्रीक्वेंसी जो है उसके लिए डिस्क्राइब होगी सो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आप लोगों के पास जहर में रखें तो अगर आप लोग देखिए यहाँ पे जो है मेरे पास एक नज़र मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ तो यहाँ पे वन टू टू वे पास हो रहे हैं तो टू हर्ट इसकी फ्रीक्वेंसी होगी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स जो है हर्ट फ्रीक्वेंसी इसके लिए डिस्क्राइब होगी नो ए फ्रीक्वेंसी इज आल्सो कॉल्ड द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम टाइम का जो रिसिप्रोकल होता है उसको हम क्या एक्सप्रेशन करते हैं उसको हम जो है फ्रीक्वेंसी से डिस्क्राइब करते हैं तो द सेकंड पॉइंट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी के एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में कौन सा रिलेशन है डायरेक्ट रिलेशनशिप है द थर्ड पॉइंट ये है कि आप लोगों के पास क्या होगा कि जब भी जो है एमिशन और एब्जॉर्प्शन होगा इट विल ऑलवेज क्वांटाइज ये क्वांटाइज होगा एमिशन जो है एंड यहाँ पे जो है ये हमेशा क्वांटाइज होगा होल नंबर में इसकी एमिशन होगी दियर बी नो फ्रैक्शन वैल्यू तो अगर आप लोग देखिए इस इक्वेशन के लिए अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ एन एच न्यू वी आर एन डिस्क्राइब करता है एन इसकी वैल्यू वन होगी जो है यहाँ पे टू हो सकता है थ्री हो सकता है फोर हो सकता है फाइव ये क्वांटाइज है लेकिन एन की वैल्यू वन जीरो पॉइंट फाइव नहीं हो सकती गलत है 1.5 अगर लिखा हो गलत है 1 और 2.5 लिखा हो गलत है तो इसकी वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगी इसकी वैल्यू हमेशा जो है क्या होगी द वैल्यू ऑफ द एन विल ऑलवेज डिस्क्राइब इज अ होल नंबर इसको होल नंबर में डिस्क्राइब करना है सो द वैल्यू ऑफ एन ऑलवेज डिस्क्राइब इन होल नंबर इसको होल नंबर में डिस्क्राइब करना है तो अगर आप इस पॉइंट को देखें तो एन की वैल्यू जो है ऑलवेज तो यहाँ पे एनर्जी हमेशा क्वांटाइज होगी होल नंबर में डिस्क्राइब होगी इसकी वैल्यू जो है फ्रैक्शन में कभी तो भी डिस्क्राइब नहीं होगी तो ये अगर आप लोग देखिए फ्रीक्वेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस पोटान की एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा तो मेरे पास एक एक्सरेज रेडिएशन है एक मेरे पास अल्ट्रावायलेट वायल्ट रेडिएशन है एक मेरे पास यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करता हूँ आई आर रेडिएशन है माइक्रोवेव रेडिएशन है एंड द नेक्स्ट वन जो है अगर आप देखिए रेडियो फ्रिक्वेंसी रेडिएशन है सो so, अगर आप लोग देखिए इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी जो है एक्सरेस की होगी इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी और यहां पे यूवी की एनर्जी कम हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी आईआर की एनर्जी और कम हो जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी अच्छा माइक्रोवेव की एनर्जी कम फ्रीक्वेंसी और कम और रेडियो फ्रिक्वेंसी जो होंगे तो ये सबसे कम एनर्जी सबसे कम फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशन डिस्क्राइब होंगे अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूँ तो यहां पे जो है डिक्रीज ऑर्डर ऑफ एनर्जी है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रिक्वेंसी है अगर मैं इस डायरेक्शन में आता हूं तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी इसको डिस्क्राइब करते हैं <coughs> तो ये अगर आप लोग देखें ये <coughs> फ्रीक्वेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है

डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्ट क्रिस्ट क्रिस्ट जो होता है इट इज डिस्क्राइब इसको violin से describe करते और यार जो है आप लोगों के पास क्या है कि एडजेशन ट्रफ ट्रफ के, के दरियान जो डिस्टेंस होता है इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज असो भी डिस्क्राइब करते हैं तो द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेशन हो या ट्रफ ट्रफ हो इट इज डिस्क्राइब एज असको व्यवलिन से डिस्क्राइब करते हैं मिलीमीटर so, हो सकता है माइक्रोमीटर हो, हो सकता है आप लोग देखें नैनोमीटर यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं एंगस्ट्रम जो है डिस्क्राइब कर सकते पाइकोमीटर हो सकता है और यहां पे जो है मीटर हो सकता है तो जो भी लेंथ के यूनिट्स हैं उनके लिए आप लोग यहाँ पे लेमडा के लिए उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं ओके तो

उसकी फ्रीकवेंसी ज्यादा उसका वेवलेंथ कम होगा एक्स रेज एक्सरेज अशॉर्ट वेवलेंट रेडिएशन एक्सरेज वेवलेंथ रेडिएशन इसका वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी कम हो गई अब इसकी एनर्जी और ज्यादा हो जाएगी सॉरी तो इसका वेवलेंथ है और ज्यादा हो जाएगा यहां पे जो है इसका वेवलेंथ जो है और ज्यादा हो जाएगा और सबसे लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन जो होंगे वो यहाँ पे आप लोगों के पास रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस होंगे तो सबसे लॉन्गर वेवलेंथ रेडिएशन जो है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी वाले रेडिएशंस है तो इस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर लेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर लेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ योर लेंथ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो जितना एनर्जी ज्यादा व्यवलेंथ कम जितनी एनर्जी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा व्यवलेंथ कम आप लोगों के पास ये डिस्क्राइब होगा तो यह व्यवलेंथ के लिए <साँग> जन है कि शॉर्टर व्यूलिय रेडिएशन है शॉर्टर व्यवलेंथ रेडिएशन हैजी

तो पर सेंटीमीटर इसका यूनिट पर पाइकोमीटर हो सकता है पर नैनोमीटर हो सकता है पर एंगस्ट्रम जो है यहां पे डिस्क्राइब कर सकते हैं और यहां पे जो है अगर आप लोग देखिए पर मीटर पर सेंटीमीटर सॉरी पर जो है मिलीमीटर और पर माइक्रोमीटर जो है आप लोगों के पास इनके लिए यूनिट डिस्क्राइब हो सकता है अगर आप लोग देखिए इसका मतलब यह है कि द नंबर ऑफ वेव्स द नंबर ऑफ वेव्स द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट लेंथ हो अगर डोमेन टाइम हो नंबर ऑफ वेव्स और डोमेन क्या हो द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम हो तो फिर ये फ्रीक्वेंसी है अगर द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट लेंथ हो तो फिर इसको वेव नंबर कहते हैं ये लेंथ है तो यहां पे इसको डिस्क्राइब करता हूं लेंथ तो ये लेंथ है द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट लेंथ है तो फिर इसको तो अगर आप लोग देखिए जितने आप लोगों के पास वेव नंबर इंक्रीज होते हैं मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूं कि वी नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शन तो जितने इनक्रीज होते हैं एनर्जी ज्यादा होती है जिस प्रोटान की एनर्जी ज्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा उनके वेव नंबर भी ज्यादा जिस प्रोटान की एनर्जी कम होती है उसके वे नंबर भी कम हो जाते हैं फोटान की एनर्जी कम फ्रीक्वेंसी कम वेव नंबर कम यहां पे जो है वेव नंबर और कम हो जाते हैं और जो है वो रेडियो जिस नंबर सबसे लीस्ट होंगे तो, फोटान होंगे। तो, फोटान, तो भी जो है यहां पे क्या होगा वो आप लोगों के पास कम डिस्क्राइब होगा तो ये अगर आप लोग देखिए प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के जो पॉइंट्स हैं एंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो है उनको भी वेवलेंथ को भी डिस्कस कर लिया फ्रीक्वेंसी को भी डिस्कस कर लिया और वेव नंबर्स को हमने क्या किया है इसको डिस्क्राइब कर लिया तो नेक्स्ट जो है हम यहाँ पे जो डिस्क्राइब करते हैं वो है बोहर एटॉमिक मॉडल तो बोहर एटॉमिक मॉडल की तरफ आते हैं कि बोहर एटॉमिक मॉडल जो है उसमें क्या है और हमने जो है वहाँ से क्या क्या क्वेश्चन लेने हैं तो अगर आप लोग देखिए बोहर एटॉमिक मॉडल में हम यहाँ पे ये यह डिस्क्राइब करते हैं बी ए एम बोहर एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट बोहर एटॉमिक मॉडल में जो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द दे देखिए रदरफोर्ड ने ये कहा था कि ये न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्गिद इस तरह रिवॉल्व करते हैं उसने ये बात कही थी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्गिद इस तरह रिवॉल्व करते हैं बोहर ने क्या किया है ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल रदरफोर्ड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उसने बोहर ने क्या किया बोहर ने यह कहा बोहर एटॉमिक बोहर एटॉमिक मॉडल में उसने जो आइडिया दिया क्योंकि लोग जो उसको ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस तो तो ये ये जब एनर्जी लॉस करेंगे और न्यूक्लियस में गिर जाएंगे बोहर ने इसके लिए एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया उसने कहा कि कहािक्स एनर्जी आर्बिट का कंसेप्ट उसने इंट्रोड्यूस किया बोहर ने फिक्स एनर्जी आर्बिट का उसने यहां पे फिक्स एनर्जी आर्बिट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया उसने ये कहा कि अगर आप लोग देखें कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग The electrons, hear, electrons, are revolving around the nucleus. Revolving around the nucleus, nucleus in a fixed energy or around the nucleus in a fixed energy orbit. In a fixed energy orbit, these orbits are also called shells. They are also called stationary energy level. स्टेशनरी एनर्जी लेवल इनको स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी कहते हैं स्टेशनरी एनर्जी लेवल इनको जो है स्टेशनरी एनर्जी लेवल भी कहते हैं सेकेंड पॉइंट यह है, यहां पे यह है अगर आप लोग देखिए एज लॉन्ग जब तक जो है वो क्या कहता है कि लोगों को खामोश करने के लिए लॉन्ग इज द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन दीज फिक्स एनर्जी आरबेट देयर इज नो लॉस नो गेन ऑफ एनर्जी as long as an electron present 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 in these fixed energy orbit in these fixed energy orbit energy orbits no loss no gain of energy no loss no gain in energy gain in energy is observed is observed Here, ना तो लॉस होगा और ना जो है गेन ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व होगा द नेक्स्ट जो है वो ये कहता है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब एनर्जी इट विल मूव अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी जो है अगर एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्प्शन करेगा अब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी में इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम द लो एनर्जी स्टेट इनटू द हाई एनर्जी स्टेट तो यहां पे जो है अब्सॉर्प्शन होगा एंड इफ इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी तो ये हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में मूव करेगा तो तो फिर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वो एनर्जी 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 लो स्टेट स्टेट से हाई में जाएगा और अगर एक इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है तो वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन उस टाइम जो है फिक्स एनर्जी टाइम्स को लीव करेगा जब आप इसमें एनर्जी एड करेंगे और उस टाइम जो है वो लीव करेगा जब वो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में वापस रिटर्न होकर आएगा लेकिन जब तक इस में प्रेजेंट है और आपने उसको छेड़ा नहीं है नो गेन ऑफ इसमें कोई जो है ना लॉस होगा और ना गेन ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे होगा तो यहां पे अगर आप लोग देखें दिस कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी करेगा तो यहां पे जला जा सकता है ये एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा तो यहाँ से, यह इंडो है। लो स्टेट से है। स्टेट पे जाना इंडोथर इनर्जी करेगा यहाँ पे

के बोर एटॉमिक मॉडल के मुताबिक ही इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस अराउंड द न्यूक्लियस विद द एंगुलर मोमेंटम विद एंगुलर मोमेंटम एंगुलर एंगुलर मोमेंटम क्वल टू एन एच डिवाइडर मोमेंटम के साथ मूव करता है एन एच बाई ट एंगुलर मोमेंटम होगा और एन इज इक्वल टू वन है ये टू है ये थ्री है यह फोर है यह फाइव है ये इसके लिए एन की वैल्यू पॉइंट फाइव नहीं हो सकती पॉइंट टू नहीं पॉइंट टू नहीं हो सकती वन पॉइंट फाइव नहीं हो सकती इसकी वैल्यू फ्रिक्शन में डिस्क्राइब नहीं होगी तो ये एक इलेक्ट्रॉन

तो कौन से ऑर्बिट में इसका एंगुलर मोमेंटम सबसे ज्यादा होगा यहां पे होगा एनशेल में इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम विल बी मैक्सिमम इन एंड होगा तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम देन एन और यहां पे जो है एम और अगर आप देखिए ये एल है और यहां पे जो है, ये के है तो लीस्ट विल बी इन के

अगर आप लोग देखें मैं यहां पर यह ले देता हूं कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इफ एन इलेक्ट्रॉन इफ एन इलेक्ट्रॉन लेट सपोज अ एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम ठीक है एंगुलर मोमेंटम ऑफ यहां पे अगर आप देखें तो मैं इसको डिस्क्राइ बाई फाइव थ्री एच बाई फाइव दिन इट इज प्रेजेंट इन देन इट इज अ present in, present n n a b c d अगर आप लोग देखें तो आया n थर्ड शेल में है यहां पे यहां पे थर्ड शेल n की इज ईक्वल टू 3 या n इज इक्वल टू फोर या n इज इक्वल टू टू या n इज इक्वल टू सिक्स तो ये सिक्स शेल में प्रेजेंट है अगर आप लोग देखें mvr इज इक्वल टू एन एच डिवाइड बाई टू पाई